मैं भी रिपीट पे ही सुन रही हूँ उसको, लिटरली बैक टू बैक टू बैक, वेरी देन मैं सो सूदिंग रही हूँ सॉन्ग थोड़ी ना, और। एब्सोल्युटली, वेरी सूदिंग सॉन्ग, बहुत एकदम प्यारा स्ट्रेस है, बस्टर वाला टाइप का गाना है। बहुत प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है, इतनी खूबसूरती से शूट हुआ है, इतनी प्यारी लोकेशन पे शूट हुआ है। वो अलग बात है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग ठंड से कितना कांप रहे थे वो हमारी एक्टिंग से समझ में नहीं आया, बट अदरवाइज बहुत प्यारा है, वेरी नाइस। यस, एंड वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट आवर डायरेक्टर मिस्टर आशीष राय साहब, जिन्होंने गाना डायरेक्ट किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किया। आपका क्या कहना है उनके बारे में, जरा मैं वंडरफुल, इंटरव्यू ले इतना रहा हूँ। कंफर्टेबल उन्होंने किया है, बिकॉज़ मैंने जो गाने का स्क्रिप्ट वगैरह या जो भी ब्रीफिंग वगैरह हुआ था, एकदम ऑन द स्पॉट इम्प्रोम्प्टू होता था कि शिवांगी ऐसे करना है वैसे करना है, एंड द शॉट्स एंड एवरीथिंग वाज वेरी लेस टाइम टेकिंग, बहुत ही खूबसूरती से शूट कर दिया गया मक्खन की तरह। इनफैक्ट वर्किंग विद यू ऑल्सो वॉज लाजवाब। मैं एक्चुअली मैं लाइव आई थी 2-3 दिन पहले, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट यू, मैंने बोला कि आपका जो वर्किंग स्टाइल है वो इतना माशाल्लाह इतना प्यारा है कि आप रिहर्स करते हैं और उसके बाद यू वांट द फाइनल आउटपुट टू बी अमेजिंग, और वो तो दिख ही रहा है गाने में। It was equally my pleasure to work with you and a beautiful team as well. यस एब्सोल्युटली, जो पूरे टीम के साथ, वो पूरी जो जी की टीम थी इनकी, और उनके पूरे सबके साथ काम करने में इतना मजा आया, एंड थैंक सॉन्ग के यू सर, बैकग्राउंड में कंटिन्यूस बज रहा था हमारा। या एब्सोल्युटली। सबसे फेवरेट सीन कौन सा था, सबसे फेवरेट सीन कौन सा था? मेरा सीन यार, वो ऑब्वियसली द जो बस और वो बाइक वाला जो पूरा सीक्वेंस है, वो हम, अच्छा हम बताएंगे, हम मलेरकोटला में शूट कर रहे थे और बस बाइक का सीक्वेंस एक बहुत ही छोटी गली से पूरा करना था, तो उसे बहुत टाइम लगा था। बहुत टाइम लगा था बिकॉज ब्लॉकिंग करने में, टू मेनी लाइव लोकेशन था वहां पे, आते जाते लोग देख रहे थे, उनको कंट्रोल करना कितना मुश्किल था। डैम इट, बट दैट वाज फन। यस, पर मेरा वाला जो था फेवरेट वाज द बारिश का सीक्वेंस। बारिश का सीक्वेंस आया ही नहीं है। हाँ, हाँ आया ही नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत आया उसमें, बट हमें तो पता ना हमने किया ना, दैट वाज क्रेजी। इतनी ठंड में मतलब सिंगल डिजिट टेम्परेचर था, 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर था। एक्शन से ठीक 2 सेकंड पहले हमने अपने जैकेट उतारी थी, और वो ठंडा ठंडा पानी, ओ माय गॉड। अरे और मेरे जैसे को तो ओके हुआ रोंगटे खड़े हो गए आगे सोच के। था। आई डिडंट सी यू आफ्टर पैक अप, ऐसे भागे थे आप मतलब कंबल वंबल लेके और पता नहीं किधर, अरे नहीं भाई किधर गया लड़का। क्योंकि शूटिंग से जो हमारी वैनिटी थी वो काफी दूर थी, तो वही भीगे हुए वो कंबल ओढ़ के हम बाइक पे भागे दैट वाज वेरी फनी लेकिन, थे। बट हाँ दैट वाज फन, दैट वाज फन। सो यस या द यस बारिश वाला वाज क्रेजी सीक्वेंस। यस एंड अ वंडरफुल वंडरफुली सम सॉन्ग आर फुल राज बर्मन या बाय डायरेक्टिंग इट। दिस गाइस हैव डन अ वंडरफुल जॉब, एंड वंडरफुल जॉब बस ये गाने अभी पहले 6 घंटे में द सॉन्ग वाज 1 मिलियन व्यूज। यार, वाज 1 मिलियन, इनफैक्ट नाउ इट्स आई थिंक 3 मिलियन इन नो टाइम यार, अभी तो मतलब आउट ही हुआ है गाना, तो गाइस एंड यू प्लीज कुड सी द प्लीज प्लीज नंबर गो ऑफ एंड वॉच इट। डीएम्स एंड एवरीथिंग कमिंग इन, दे आर लाइक लविंग द सॉन्ग। देखा है, आगे भी देखिए, देखते रहिए फॉर एवर लाइफ टाइम। मेरे तो घर पे सब देख ही रहे यार, मेरे दादू आए, ही इज लविंग द सॉन्ग। आई एम श्योर, मैं खुद, मुझे तो पता है ना कि इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे हालातों में शूट हुआ है, कितने प्यार से शूट हुआ है। मैं फिर भी खुद का ही फैन बन के मैं उसको रिपीट पे सुन रही हूँ, बिकॉज आई कांट गेट आउट ऑफ द सॉन्ग। इट्स गॉट अ रूहानियत, बहुत सोलफुल, बहुत प्यारा है यार, यस कमाल यस, है। दिस सॉन्ग इज वेरी स्पेशल टू मी। आप कुछ कहना चाहेंगे जो वहां पर सारे लोग जमा हो गए, मलेरकोटला में हम शूट कर रहे थे। मलेरकोटला, यहाँ से मुझे बताया तो था मलेरकोटला है, बट आई थॉट कि ठीक है यहाँ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से पटियाला, फिर देन मलेरकोटला। मेरा कॉल टाइम तो 4 बजे का था सुबह का, मेरा आंख भी नहीं खुल रहा था, इट वाज आई वाज फ्रीजिंग, मैं बर्फ बन के गई थी लिटरली वहां पे। तो जहाँ पे आई थिंक 6 बजे से लेकर 11 बजे तक मॉर्निंग का टाइम स्केड्यूल काफी अच्छा था, क्योंकि धूप थी तो अच्छे से शूट हो रहा था, बट जैसे जैसे धूप ढल रही थी द चाय वाला सीक्वेंस में आई वॉज फ्रीजिंग, नीचे नीचे वो दिख नहीं रहा है, बट मेरे टांगे ना ऐसे ऐसे हो रही थी, मैंने बोला शिट यार इट्स सो कोल्ड, इट्स सो कोल्ड। थैंकफुली वो ऑफर्ड मी चाय इन द सीन, जो इट एक्चुअली वर्क्ड। हाँ तूने तो पी भी नहीं थी वो चाय, पर मैंने पी थी थैंकफुली। आई नो,
हद से ज्यादा मीठी मीठी चाय भी हो, वेरी गुड फन. एवरीवन हु इज मैसेजिंग हियर, हाय हेलो एवरीवन, प्लीज प्लीज गॉड ब्लेस यू गाइस एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द लव. बिग थैंक यू, बिग थैंक यू, एब्सोल्युटली, थैंक यू गाइस. अच्छा एमके, आई जस्ट वांट टू आस्क समथिंग. हमारा जो गाना है, इट इज ऑल अबाउट लव लव लव, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? यार पता नहीं ये जो लिखते हैं ना वो लोग ही कर पाते क्या, यू डोंट बिलीव, मतलब लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता फॉर यू? नहीं. अच्छा नहीं होता, ओके. I don't, and I feel, but this song really takes you there. It really takes you, and all those writers who do it, they do a wonderful job in making you believe. Absolutely, absolutely. क्योंकि वो बहुत relatable था. मतलब not 100%, but कहीं कहीं हमारी भी life में ये सब चीजें हो चुकी हैं. So it was quite relatable. तो इसमें love at first sight जो होता है वो लड़के को वो शक्तिमान की तरह ready होकर बाइक पे आ जाता है. No, क्योंकि short span of time था, 4.5 मिनट में पूरी दुनिया दिखा दी. But you see him वो ऊपर देख रहा है उसे, जब तक वो बस पकड़ भी रही है वो already he was ready also and everything. एकदम you were so quick, सीधा night suit से cut to red jacket and smarty and the bike was also ready. मैं तब तक भाग ही रही हूँ, मैं तब तक भाग ही रही हूँ. मतलब look at my stamina, I'm bloody still running. Wow, that was fun, that was nice. आप अपने प्यार का इजहार करें और कहने से मत डरे, और वो एमके ने प्रूफ कर ही दिया है, कहो तो लड़की मान जाएगी. हम कितना उसमें डाल सकते थे, योर डांस कोरियोग्राफी वाज देयर, यू गॉट इट. यस द कथक आई डिड, that was so impromptu. जाते ही वो मैंने actually behind the scenes डाला भी है. मैं अपने चप्पल उतार रही हूँ and the choreographer सारे teaching में ऐसे करो, मैंने कहा रुक जाओ मुझे spot पे तो पहुँचने दो. and that was also very quick and nice and sequence was also nice. जब लड़का देखता है and that teacher डांटती है. yes. beautifully shot. so yeah. yes. प्लीज 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 गाइज वॉच द सॉन्ग, जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर देखिए, बहुत प्यारा गाना है. वीडियो भी अच्छा बना है इंशाल्लाह, आई होप आपको वीडियो भी पसंद आए. एब्सोल्युटली या, एंड मैंने तो नहीं देखा, बस में प्यार दिखाते हुए नियरली टू एनी एल्बम्स या कोई भी फिल्म्स में. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मैं बस वाला प्यार देख रही हूँ. यस सो गाइज प्लीज लव द सॉन्ग, ऑलरेडी आप बहुत प्यार दे रहे हैं, आगे भी दीजिए, रियली नीड इट. Yes, yes, yes. और मुझे बाइक भी चलानी पड़ी. That day also I was telling someone कि yeah, मतलब you were so nice bike ride में, but somewhere मुझे डर लग रहा था. You shared a story about it. It's okay. Yeah, you shared a story जो मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे. Yeah, but yeah, that was, yeah. So जो मेरा हाथ आया था on the shoulder was so tightly on your shoulder, यानी का भाई गिराना नहीं, जो भी कर दो गिराना नहीं. और नहीं गिराया, नहीं हल्का सा स्किड हुआ था, हुआ था जस्ट फॉर अ सेकंड. ओह फ्रीक, या द बाइक आल्सो वाज नाइस. यहां पर अभी नशे में और गाना भी जो किया उसमें भी बाइक राइड था, उसमें भी बुलेट ही था. माय गुडनेस, आई एम फेसिंग दैट फियर नाउ एवरी टाइम. गुड, या यू आर एक्चुअली सो गुड प्रतीक महेश भाई, का जरूरत ही नहीं है. Oh, is PM here? Okay, hi PM. PM अब आए हैं. हाँ जी, प्रतीक साहब है, वो देखने नहीं, देख रहे होंगे. And hi to everyone out there, Pratik. Yes, hi everyone and thank you for joining. बहुत मजा आया. आस्था शर्मा, मनीष, I can't take everyone's name, I'm sorry. हम लोग सबके नाम नहीं ले पाएंगे, but God bless you all, जो भी देख रहा है. बहुत अच्छा लगा आप सबके सामने मैंने एमके से बात किया है, बिकॉज मुझे इतनी रिक्वेस्ट आती आप अकेले लाइव कैसे आ गए, एमके को साथ में लेकर आओ. हियर आई एम विद एमके. सो ऐसे मैं बोला, मैंने बोला था लाइव आने के लिए, सारा क्रेडिट ना ले दो. हमारे साथ में डिसाइड था कि लाइव आएंगे. या And it worked, yeah? Yes, yes. God bless everyone. And
Pratik पूछ रहा है, how was it shooting in rain in low temperature? I just told everyone we were freezing. ठंडा ठंडा पानी पड़ रहा था हम पे. We were so much into acting, but somewhere जब वो ठंडा पानी आया था ना, मेरा सारा एक्टिंग बाहर निकल गया था. मैंने बोला बंद करो यार, क्या है. और जब पानी रुका तब डबल ठंड लगा था, because तब तो मैं भाग चुका था, yeah, right. मैं हाँ, वही कंबल मैंने में पूरा बोला, मैंने ओढ़ के पलट के देखा, मैंने कहा लड़का गायब है. It was fun, नहीं मुझे बाइक से छुपा के ले जा रहे थे ना वो लोग, इसलिए I'm sure. चल बढ़िया है, nice यार. अच्छा यस लगा लाइव थैंक करके यार. ये मैं सबकी तरफ से बोल रही हूँ. तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन, प्लीज 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 वॉच द सॉन्ग. एंड आपको कुछ और कहना है? मुझे बस यही कहना है कि बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए शुक्रिया, आगे भी देते रहिए. प्लीज ये गाना देखिए, इट्स वर्थ इट. अगर आप भी या किसी से प्यार करते हैं और इजहार करना चाहते हैं तो ये गाना देखो, आपको बहुत टिप्स मिलने वाले हैं कि एक लड़का लड़की को कैसे प्रपोज करे. बाइक पे तो डू पीछे भाग वॉच द के सॉन्ग. हाँ जो भी है, मतलब अपना ध्यान रखिए, बट फॉलो द सॉन्ग, इट्स नाइस. यस ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू गॉड सो मच ब्लेस मिस पर यू. फॉर कमिंग ऑन लाइव थैंक और यू एम हमसे के, बात करने के लिए. ऑल बी सेफ फॉर यू. यस यस एब्सोल्युटली. चलो ध्यान रखो एवरीवन. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. गाइस बाय एम के. बाय.